मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंधखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंधखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार ऐसा। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसा हाथ हिलाओ जी, दिख गए। गुरुजी, मैं 10 साल से ड्राइवर का जॉब करता था, लेकिन जॉब छोड़ के मैंने 2020 में पानीपुरी का व्यवसाय करना प्रारंभ करा। मैं पानीपुरी का व्यापार करने चालू करा। 2 लाख का मुझे कर्जा था। गांव में पानीपुरी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो मैं और बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से पहली बार मोबाइल में ऑनलाइन लोन लिया। गुरुदेव, ऑनलाइन लोन मैंने बिना नॉलेज से बहुत सारी बैंक से लोन लेना शुरू किया। ऐसे में फ्रॉड बैंक के जाल में मैं फंस गया। आप लोगों से भी निवेदन, इस पत्र पर थोड़ा ध्यान देना। कोई चीज, कई लोग मोबाइल पर कॉल कर देते हैं, आपका इनाम लग गया, फ्री में आपके मोबाइल में बैलेंस डल रहा है, फ्री में तुम्हारे साथ में ये हो रहा है, ध्यान देना भाई। कभी जिंदगी में बहुत सारे लोग बैठे हैं केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए। कोई तुमसे कह दे कि यहां गड़ा हुआ धन मिल रहा है, विश्वास ना करिएगा। अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर और अपने काम पर विश्वास करना, दूसरे पर नहीं। और कहीं पर अगर कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं सब घुमाऊंगा, सोने के हंडे निकल जाएंगे, तो सबसे पहले हमको खबर करना, हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण उसके हंडे से करवा देंगे कि तूने दिया हंडा। हंडा निकला और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से धर्मशाला बन रही है, गौशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हंडा ना निकलवा देंगे? अरे बोलो तो, 40 गांव की जी जी सही है कि गलत है? अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है। इस भाई ने लिखा, फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया और बैंक के जाल में ऐसा फंस गया कि मेरा पूरा मोबाइल हैंग हो गया। इतनी बुरी तरह से फंसा गुरुजी कि 6 महीने के अंदर मेरे सर पर 12 लाख का कर्जा हो गया। 12 लाख का कर्जा हुआ, लोन के चक्कर में धंधा भी बंद हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले गया। आज 2024 की यह मकर संक्रांति है गुरुदेव, मैं 2022 की मकर संक्रांति को मरने के लिए सुसाइड करने का मैंने सोच लिया था। मकर संक्रांति के दिन मैं मरने के लिए जा रहा था, तभी एक महिला को केवल शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाते हुए जाते हुए देखा और वो आंख से आंसू पोंछते हुए जा रही थी और उसके हाथ में एक लोटा जल भरा था। मैंने उस महिला को देखकर सोचा कि इसको भी तकलीफ होगी और ये पानी चढ़ाने जा रही है। मरने का विचार छोड़ा, शिवजी के मंदिर जाने का विचार चालू करा। गुरुदेव, मेरे पिताजी के पास गया, पिताजी से कहा, पापा मुझे कर्जा बहुत हो गया है, मैं फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया। मेरे पिताजी ने जमीन रखकर मुझे 3 लाख का कर्जा दूसरे से उठा कर दे दिया। मैं वापिस ड्राइवर की नौकरी करने लगा। गुरुदेव, शिवजी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल का क्या केवल दर्शन से भी लोगों के भाग्य खुल जाते हैं? उस माँ को जब मैंने देखा था जल चढ़ाते हुए, तो मैंने अपनी पत्नी को बताया। उसने सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से
हमने जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके 15 दिन निकले, और हमने 15 दिन जब ड्राइविंग करता करता 15 दिन निकले, 7 बजे मुझे कॉल आया कि मैं धूलिया के एक ऑफिसर के यहाँ मेरा लाइसेंस का नंबर लग गया और मैं वहीं पर जॉब करने लगा। मैं वहाँ पर जॉब करने लगा, जॉब करते 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 जिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था वहीं पर मेस का काम, भोजन खिलाने का काम मुझे मिल गया। मैं शिव जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा धीरे धीरे 4 लाख का कर्जा चूक गया। अब मैंने काम को और आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते कथा सुनता टीवी पर मोबाइल पर, और कथा सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना करता जिस दिन मेरा 12 लाख का कर्जा चूक जाएगा उस दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। बाबा से ऐसी प्रार्थना करते करते मेरा जो पानी पूरी का व्यापार था वो भी अब धीरे से चालू हो गया, और धीरे धीरे मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा 12 लाख का भी कर्जा चुका दिया और मुझे इस पंडाल में बिठाकर कथा को श्रवण करवाया। हमने 40 गांव की कथा का सूचना मिली और इतने खुश हुए कि दुकान का उद्घाटन बाबा के भरोसे कर बाबा के नाम पर ही उसका नाम रखा है, बाबा भोलेनाथ चाट फुल्की का नाम देकर, और हम यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरु जी एक ही निवेदन है, आप चाट खाने कब आ? सबसे भारी निवेदन है मेरे भाई, बैठ जा। कर्जा चुक गया, हाथ ऊंचा कर दे एक बार, हर हर महादेव। अब मत फंसना ऐसे फ्री वालों के चक्कर में कि अंडा निकल रहा, बैठ जाओ।